और ये सिक्स एक नंबर एक नंबर बहुत ही अच्छा दिख पा रहा है 61 रन ये ओवर की लास्ट गेम है टीम के मालिक खुद बॉलिंग करते हैं उनके लिए आए हुए हैं दो रन हेलो चार रन है कि छह रन है अंपायर का इशारों का देखने के लिए चार रन 70 रन बहुत ही अच्छा बॉल पिंटू ने डाला हुआ पिंटू भाव आपकी जय हो सूजी हुई बॉलिंग सही वक्त पे सही बॉलिंग डाली है रन एक आउट होने के बाद सात ओवर में हमें 36 रन और सुनील ने बहुत अच्छा कैच लिया हुआ खुद के बॉडी पे कैच लिया उन्होंने पूरा बहुत ही अच्छा खेला है और ये दो रन डिक्लेयर अंपायर की तरफ से अगर साइड के किसी भी बॉल को डायरेक्ट लगे तो दो रन डिक्लेयर है और ये अंपायर की तरफ से व्हाइट का इशारा दिया ना अभी दोनों अंपायर के फैसले का आदर करना जरूरी है अगर उनका कोई कंफ्यूजन होगा तो वो बता देंगे
सिर्फ कैप्टन ही उधर बात करे, बाकी सब प्लेयर उनके जगह पे जाएं। अंपायर से बात, संघ बात। अंपायर शाह अंपायर की बात संघ बाद हो सकतो, भरपूर चर्चे नंतर तो वाइड आहे की नाही अंपायर अजून डिस्कस करताय। कोणाच्याही दबावाला न बळी पडता अंपायरनी स्वतःचा डिसिजन द्यावा। ओके, अंपायर ने उसको व्हाइट बॉल दिया हुआ है, उनके ये चीज का आदर करते हुए अपन गेम को आगे चालू रखेंगे। ओके, अंपायर ने बोला बात खत्म हो गई यार। सिर्फ कैप्टन आगे आगे बात, बहुत ही अच्छा करण ने मारा हुआ है। लास्ट के दो बॉल बाकी है और खौर गांव के ट्रस्टी घिसुलाल जी तेलीसरा इनका आगमन, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गेम की आखिरी बॉल फक्त चार ना लावायची होती झाली आता 79 रन 80 रन टू गेन 80 रन का टारगेट दिया गया है। विश्वलाल जी चंपालाल जी चलीसरा और के दृष्टिगढ़ इनका आगमन, टॉस और यहाँ पर गैप मिल रही है इन्हें और ये बॉल बाउंड्री को नहीं है, नहीं छुई है। एक ओवर छह रन बिना किसी नुकसान के। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अफसोस खुद क्रिकेट को होगा क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने किसका कैच छोड़ा है पिछले मैच में जिन्होंने 71 रन किए थे। बहुत ही अच्छा
बोलना और ये नहीं बहुत ही अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट कौन नहीं नॉट गुड फील्डिंग यार बहुत ही सुपर फील्डिंग बहुत ही बढ़िया नन्हे मुन्ने सितारे रन आउट होते होते बच गए ऊपर से बॉल हवा में और यहाँ पे कोई प्लेयर नहीं दो रन की पुकार और दो रन बहुत ही और रन लास्ट बॉल दो ओवर खत्म होने के बाद 17 रन बहुत ही अच्छा बॉल और ये आउट फिर सभी लोग आवाज बाहर ने आउट किया है फिर सभी लोग अंपायर श्रीवास संगबार अंपायर से कहे अंपायर श्रीवास संगबार आपको दो बार पहले रन है पहले बॉल पे बहुत ही वैल्यूएबल विकेट हो गया है दीपक भाई ने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ लिया इतना तेज से बॉल आया लेकिन फिर भी उन्होंने कलेक्ट किया प्रणय बहुत अच्छे बैटिंग करते हुए हैं स्लो बॉल डाला और यहाँ पे टीम सुपर किंग्स के लिए बहुत ही बड़ा विकेट गया है यहाँ पे लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं है इतना बड़ा सुधीर भाई है टीम में और प्रणय भाई सुधीर भाई की तरफ देखते हुए भागने के लिए प्रणय भाई को याद दिला दूं सुधीर भाई का रनर है आशीष बॉल बहुत ही अच्छा कैच हो सकता बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे शॉट रन है स्कोरर और अंपायर ध्यान दीजिए एक शॉट है कॉपी और ये मैक्सिमम मारा हुआ तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 एक विकेट बहुत बड़ा 27 रन एक आउट तीन ओवर पूरे बहुत ही अच्छी फील्डिंग बहुत ही अच्छी फील्डिंग थ्रो बहुत लूज आया और अभी कैच हो सकता है नहीं और अंपायर के लिए हम लोग रुकेंगे ये क्या है ये चार बॉल गाड़ी का खाली गिला है नहीं बॉल लेने के आवाज बॉल नहीं मिल रहा है और ऋतिक आप आ जाइए नया बॉल लेके आ गए हैं
फुल टॉस बहुत ही अच्छा होता है और होता है ये मिस हो गया कैच लेने का बहुत ही अच्छा प्रयास दीपू के द्वारा एक बार तो ले ही चुके थे वापिस छोड़ा वापिस पकड़ने का ट्राई किया फिर छूट गया ऐसे लग रहा था उनके हाथों में स्प्रिंग लगी हुई है एक मिनट रुक जाइए यहाँ पे बॉल आया है ओके बहुत ही अच्छी अपील लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं सामने तो एक बार बहुत ही अच्छी फील्डिंग बेटे ने की हुई सुधीर भी खुश हो गया मन से यहाँ मैं आपको याद दिला दूं 22 बॉल में 45 रन जीतने के लिए हैं इक्कीस बॉल में 45 रन चाहिए बहुत ही अच्छी बॉलिंग रन चुना दी और सिद्धार्थ भाई कुछ अलग ही मूड में है छत्तीस रन एक आउट 4.4 ओवर बहुत ही अच्छा बॉल एक ही बॉल बाकी बचा है नो बॉल ये फ्री हिट है वाइड बॉल ये वापस क्रिएट होगा क्रिएट अभी बरकरार है और ये ओवर की समाप्ति डालते हैं स्पिन करते हैं वो और का भी मैं सही लेकिन ले लिया और न्यू बैट्समैन इस किशोर दीपू बहुत अच्छी बॉलिंग डालते हैं स्पिन करते हैं वो कभी कभी सीधी भी आ जाती है बॉल बहुत ही अच्छा बॉल दो बॉल बाकी है दो मिनट 39 रन बहुत ही अच्छी बॉलिंग और अभी 12 बॉल में 40 रन चाहिए 41 रन Good boy.
10 बॉल में 39 रन 41 रन बनाने हैं। यश बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और प्रणय बहुत जोर से मार रहा है।